तो है गाइस, दिस इज अ न्यू व्लॉग। और गाइस आपको पता ही है, अभी हम छुट्टियों पे चल रहे हैं, गाड़ी वाड़ी छोड़ रखी है, अभी घर पे ही है, घर ही मौज ले रहे हैं। और बहुत भाई कमेंट कर रहे हैं घर हो तो घर पे व्लॉग बना दो। तो भाई साहब ये घर की हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब ही पड़ी है, क्योंकि हमारे इधर आंधी तूफान आया था, ये देखो, और कोई ना घर है। ये मेरी और दोस्त बैठे हैं इधर। और गाइस घर रह के हमने बहुत कुछ बना लिया है, आपको पता ही है, क्योंकि स्टोरी पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे कुछ भाइयों ने, कुछ होने नहीं देखा होगा, तो आज उनको ही दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ क्या क्या लिया था। और यार दोस्त तो बोल रहे थे मिलाओ, सबसे मिलाऊँगा आज शाम तक, कल तक मिलाता ही रहूँगा, बस बने रहना व्लॉगमेंट तक। तो गाइस शुरुआत करते हैं पहले, जो मैंने पहले ली थी उनसे। तो चलो, ये रहा वो पहले वाला सरप्राइज, जो कि मेरा ड्रीम था। ये पहले क्या भी है मेरे पास, पीसी, उसमें भी मैंने इसी की वो लगाई हुई थी वॉलपेपर। फिलहाल ये खड़े खड़े यहाँ बारिश में भीज के इसका मीटर हो चुका है ख़राब, इसमें कुछ नहीं आ रहा, बाकी स्टार्ट टकाटक हो रही है। और भैया ये हमारे भाई का लड़का हमको बोल रहा है, वो बोल रहा है अभी हम अपनी पब्लिक से बात कर रहा है, क्यों भाई जान? तो भाई कमेंट करके बताना, ये 400 सीसी में, सॉरी 390 में है, तो ये सही है या R1? चलो तो R5 और दिखाते हैं, वो भी हमने अभी रिसेंटली परचेज करी है। ये मेरे फ्रेंड है इरा सोहिल बुगली, और ये तुरतुरी है हमारा भाई साहिल खान, ये अरबाज है, और वो अमन है। ये मेरी दूसरी बाइक रही, और ये बैठ गए इस पे भाई साहब, ये जा रहे हैं इसको लेके, मतलब थोड़ा इधर ही अपने सुरिंग के उधर। बाकी अभी ये हमने सेकंड हैंड परचेज करी थी, और वो अपने धनों खड़ी है भाई साहब, इसको मैं हाथ नहीं लगाता क्योंकि ये मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट करो यार, ताकि एक और इसके बगल में ला के खड़ी कर दूँ, BMW वगैरह थोड़ा प्रीमियम। और ये अपना है भैया R15। और भाई फिलहाल घर पे इसलिए हूँ गाइस, क्योंकि अभी जो तालिम भाई गाड़ी है वो मुंबई में है, वो आई नहीं मुंबई से अभी तक, वो आएगी तो उस पर चलेंगे, फर्स्टी करेंगे। अब तो इंतजार है उस गाड़ी का, देखते हैं कब तक आएगी, कब चलेंगे, जैसा भी कुछ फिर कंटिन्यू अपने ट्रक व्लॉग आए। पर अभी घर पे हूँ तो गाइस एक दो राइडिंग के व्लॉग डालूंगा, GoPro मैंने पर्सनली ले रखा है, तो चलो वो भी दिखाता हूँ आपको GoPro भी। इस GoPro से पहले ये लगवाई थी मैंने AC, जो कि इसका पर्सनली व्लॉग भी बनाया था मैंने। और अभी तुम्हारी भाभी है नहीं है, वो गई है अपने माई के, तो अभी दिखाता हूँ आपको GoPro। ये रहा अपना GoPro, ये अपनी खटिया है भाई साहब, खोल ये देखो गाइस कितनी सारी एक्सेसरीज आती हैं इसके साथ, उल्टा खोल दिया इसको हमने, इस वजह से सारी एक्सेसरीज फैल गई। तो ये GoPro है 8 है ये गाइस, Hero 8, जो कि इसकी क्लियरिटी बड़ी ज़बरदस्त है। आपने अमन वाले चैनल पे देखा होगा, यूनिक बॉय अमन का नाम से चैनल पे, इससे व्लॉग डाला था, बाकी 100% चार्ज कर रखा है, क्योंकि आज इससे हम राइडिंग का एक व्लॉग बनाऊंगा, तो उसको इस व्लॉग के बाद डालूंगा, इसको करते हैं पावर ऑफ। बाकी इनको जमा दिया यान सब कुछ, और ये और लिया था भाई साहब, बाइक के साथ आया था ये अपने के साथ, आलम भाई ने दिया था, क्योंकि हमने बाइक भी आलम भाई से ही परचेज करी थी, जो कि हमारी बुआ का लड़का है। एक ये वॉशिंग मशीन ली थी अभी प्रजेंट, थोड़े बहुत दिन पहले ही, 2-4-5 दिन पहले ही ली थी। बाकी गाइज आपको पता है गाँव में यार सिस्टम, घर बार का थोड़ा ऐसा ही रहता है, और असल में घर पे है नहीं ना कोई, तुम्हारी भाभी भी नहीं है, तो इस वजह से घर का हाल भी खराब हुआ है थोड़ा थोड़ा, इग्नोर करना। और ये हमारा पीछे का वो है, यहाँ पे हमारी भैंसिया रहती हैं, इनमें उनका खाने का सामान है, और ये भैंसिया का लड़का है भैया। ये लड़का बेचारा बहुत अच्छा है, बहुत मज़े करता है ये अकेला, इनकी मम्मी गई है पहाड़ में खाना खाने के लिए। और ये गाइस हमारी मिम है, जो कि बहुत डेंजर है, मारती है, कपड़े खा जाती है गाइस, ये बहुत सारे कपड़े इसने खा गिरा है, ये मारती है, इसे डर लगता है, तो इसे दूर से सलाम हाय कर दो गाइस इसके लिए। बकरी के लिए
जो भाई कमेंट करे वो मिम मिम कमेंट करना, और इसके लिए जो करे तो इसके लिए लड़का कमेंट करना, भैंसिया का लड़का है ये। यहाँ पे अपना पानी वानी का, ये अपनी मोटर लग रही है उधर बोरिंग है, उधर से इधर से पाइप जा रहा नीचे से वहां तक। भाई साहब सपोर्ट करो, तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें। ये घर की बाहर की प्रोफाइल है, और अभी हम जा रहे हैं हमारे गांव में, तो चलो गांव का टूर कराता हूँ आपको, थोड़ा सा दिखाता हूँ। उधार उधार बहुत चले हमारे दुकान आने पे भाई साहब। ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं, ये देखो ये अरबाज का भाई है, ये इसका भाई है, ये बेटा उधर देखो गाइस, हरियाली हमारे गांव में भाई साहब। घर से निकलने का यही रास्ता है हमारा, और ये मेन रोड है, अलवर बहरोड वाला जा रहा है जो रहा गाइस, अलवर बहरोड वाला रोड ये देखो इधर जा रहा है, ये इधर से घर से आते हैं हम, ऊपर आगे सुरेंगे भाई साहब, और घाटी भी उधर ही है, वो भी दिखा दूंगा आपको इसी व्लॉग में, बाकी और पहले वालों में भी दिखा रखी है। तो यहाँ पे हमारे राहुल भाई की दुकान थी पहले, जो बंद करके चला गया है यहाँ से अब दूसरे गांव में, काफ़ी दूर दौसा ज़िले में। और भाई ये रही अपना पीर की दुकान, इधर अपना उधार चलता है। तो चलो अभी वहाँ पे लेडीज़ खड़ी, इस वजह से हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये गाँव का माहौल थोड़ा सा ऐसे ही रहता है मतलब, तो इस वजह से थोड़ा सेफ सेफ रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे आपको। और इनसे मिल लो गाइस, ये कूलिंग में है, और ये भाई साहब ना के जा रहे हो, ना के ना जा रहे, गंदे हो के जा रहे हैं नुगली। स्टोर पर आकर मिलाता हूँ आपको पीर से। ये रहा भाई साहब बड़े जबरदस्त आदमी, मतलब कि फ्री माइंड आदमी है, तो इसके खातिर एक लाइक कर दो वीडियो यार, बहुत हेल्प करे ये हमारी अटकी भाई, जब पैसे वैसे ना रहे हमें, और ये हमारे गाँव को कुछ भी हुआ। बाकी कोई भाई अलवर से बहरोड जा तो गांव घाटी पास में दुकान पड़े पीर की, नाम वाम तो कुछ ना लिख रहा पर कहा नाम दुकान यही की पड़ेगी, या ब्रेक करके पे ही निशानी है भाई पीर। हाँ भाई सिटी, और सिटी का भाई डिब्बी, सिटी का भाई डिब्बी। और गाइस अब मैंने इसको गलत नाम से बोला ना, तो अब मुकबर खुश हो जाएगा, घड़ा ही सारा हमारे गांव का। हमारे गांव मुकबर ही बहुत हुए, और वो भी हमारी पर्सनली, तो उनके उनके खातिर भी वीडियो लाइक करो मुकबर खातिर। और जिस भाई को मुकबर नहीं पता वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, उसको बता दूंगा मुकबर किसे कहते हैं, या फिर कमेंट कर देना उसमें बता दूंगा मुकबर किसको कहते हैं। और नहीं तो मैं इसका आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आज रो कहीं से पूछ लेना मुकबर किससे कहते हैं। ये हमारा गांव है, और उधर तक भाई साहब उधर हमारी जामा मस्जिद तो वो रही बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पे भी कुछ दुकानें हैं, पर हमारी और किसी से नहीं बनती सिवाय पीर के, हम इधर ही आते हैं और पीर से ही सामान देते हैं, बाकी अपने पास सब कुछ अवेलेबल है गाइस। ये मैं सोचना पेड़ परमोशन कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री है यार, भाईचारा ये तो अपना गाँव का भाई साहब, हेल वेल रेडुल वेडुल सब मिलती है आजकल हमारे गांव में, तरक्की पे, मतलब कि कहने का मतलब ये है। तो चलते हैं और कुछ नया दिखाता हूँ आपको गाइस। फिर से आ चुका है घर पर, और ये खड़ी अपनी धन्नो भाई साहब, इसका भी नाम बताना गाइस कमेंट में, इसका क्या नाम रखें, नाम रखना अच्छा रहता है, ये हमारे ड्रीम्स हैं भाई साहब। मुझे ना गाइस अपने ये जूते वगैरह कपड़े वगैरह बिल्कुल भी शौक नहीं है, सिर्फ इनके ये स्पोर्ट बाइक आई लाइक दिस, और ये भाई साहब स्पोर्ट कार, नो एक्सयूवी पसंद, ओनली स्पोर्ट, जैसे कि बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज। और गाइस आज हेल्पी मैन दिए, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सबकी मजाक कर रहा हूँ ऐसा, बुरा मत मान जाना। रात के बज रहे हैं अभी ये मतलब डेढ़ बज रहा है रात के, और अभी हमारा हंसी मजाक खत्म नहीं हुआ, और अभी गाइस ये जुप्पी पलूड़ा खेल के साइलेंट है, ड्यूटी बजा रहे हैं, और एक ड्यूटी बजाने में आज के दिन गए, और मैं और भूली पड़ा भाई दोनों गालों में अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ गाइस। आज है दूसरा दिन, और अभी तक भाई साहब हम नहा धो के हो चुके हैं फ्रेश, आज जुम्मा था, जुम्मा में पढ़ के आए, और अभी ये घर पे अपनी धनों को देखता रहता हूँ मैं भाई साहब, इस पे बहुत दिलाया हुआ है आजकल,
ये रेड कलर की पर्सनली बहुत पसंद थी, ड्रीम 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 बाइक कहते हैं ना गाइस बचपन में, धूम बाइक। तो ये ली थी गाइस अपन ने यार, इसके खातिर अब थोड़ा सा मैं तंग हो गया इसको लेने के बाद। थोड़ी सी मदद कर दो यूट्यूब पे यार, दबा के शेयर कर दो वीडियो ताकि यूट्यूब से इनकम थोड़ी अच्छी सी आ जावे। और गाइस कमेंट बताना आप बाल कैसे लग रहे हैं, छोटे अभी और छोटे करा लूँगा इनको, और कमेंट बताना दोबारा लंबे करो या फिर इनको छोटे करा लूँ, क्योंकि अभी तो घर होते एक बार और करवा लूँगा इनकी रिमॉन्डिंग। तो गाइस अभी चलने वाले घाटियों में, अपने यार दोस्त आ रहे हैं, फिर घाटियों में चलेंगे, फिर दिखाऊंगा आपको बावन मोड़ कितने हरे भरे हो रखे हैं बारिश बरसात के वजह से। तो जैसा कुछ रहेगा सबको दिखाएंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं घाटियों में सारे यार दोस्तों के साथ। गाइस निकाल लिया अपनी बाइक, और ये अजरू भी आ गए बाइक ले के, नहीं घर जा रहा, पर अब हम इसको ले जा रहे घाटियों में। चलो घुमाओ इसको आप, रिटर्न मारो। ये भी अजरू भाई ने अभी दी थी जस्ट थोड़े बहुत दिन पहले ही मुझसे पहले, और अब मैंने भी ले ली, मतलब हमारे की होगी दो आर बाइक, एक के टी एम, एक कार है मैगनेट। तो अमन और अजरू आएंगे इस पे और अपन चलेंगे इस पे। हम अजरू वाली बाइक पर बैठ गए गाइस, इसको चेक कर रहे हैं, इसकी कंडीशन हमारी से ज्यादा खराब है। ये कब्बू है गाइस, देखो इधर देखो, ये जर खा रही है इधर। या को डूम दियो भाई साहब, कंपनी वाला भाई जा रहे, और अपन ने चेंज करवा रखा है। तो अभी वो और आ रहा है आशिफ और बुगली, इधर अपन चलते हैं उनसे पहले। ये रहा घाटियों का रास्ता, और ये रहा अपना घर, इधर इधर अपना घर गाइस। अजरू को डर लगता है अमन के साथ, इस वजह से वो नहीं आया, इस बाड़ी भाई पर अपनी चल रहा है। और हमने इसको उड़ा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। हम पहुंच गए इधर, ओ ये और आ गए पीछे पीछे, ये देखो भाई साहब अपनी तो कुछ कदर लग रही है इसका। ये आ गए हमारा फ्रेंड सर्कल आ गया गाइस, और अभी यहाँ पे देखो भाई साहब हरियाली, दूर से दिखाता हूँ आपको, वो देखो उधर, ये इधर मंदिर है, और इधर भी, इधर से अगर रोड जा रहा है यहाँ से, देखो गाइस जब जाए फोटो ही फोटो उनमें लगा पड़ा खिंचवाने में, दोनों उन पे लटका पड़ा, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, खेचियो मन खेचना, लीम खेचना, बुगली सोहिल फलाना ढिकाना, और फोटो उनमें ही लगा पड़ा। और गाइस सब कमेंट में ना इनको ये करना, इसको इसको भी, ये देख साहिल है ना, और ये आसिफ है, और ये अजरू की भाई खुद की, और ये बुगली। तो गाइस इनकी इनकी पोस्ट पर कमेंट करना मांगी है। रील बनानी है पेट्रोल उड़ा रहा है भी, मतलब यार गाइस, और तो नहीं पता घर रह कर रुपयों ना जी हमें, ये भी और रील बना रहा है, ये दिए। और व्यू चेक करो गाइस, चेक करो गाइस, ये और व्यू चेक करो, ओ ओ ये ओ गिरो, ये देखो गाइस व्यू, ये इधर गांव अपना, ये जो मस्जिद दिख रही है अपने गांव की मस्जिद है, और यहाँ पे हम कर रहे हैं इंजॉय। तो ये कुछ घाटियों का व्यू गाइस, जो कि बड़ा ही हरा भरा हो रहा है, और ये देखो स्टंट मैन, एक से एक बढ़ के स्टंट मैन आया हुआ है यहाँ पे। ये देखो भाई। तो गाइस चलते हैं यहाँ से, या फिर चलते नहीं अभी और इंजॉय करते फिर दिखाता हूँ आपको। ओ गाइस ये कुछ व्लॉग था, घाटी वाटियों में से आ गए थे, वो कल का दिन था, और आज दूसरा दिन, तीसरा दिन है इस व्लॉग का।
तो यही सारा इंजॉय किया और यही सब कुछ बनाया मैंने। और गाइस सबसे पहली बाइक हमारे घर की वो नहीं दिखाई, वो भी देख लो, ये देखो गाइस NCR में आ गई। ये 2011 मॉडल है, इसका टैंक देखो, ये टूट गई थी, मतलब नई नई थी ना, तो ये लड़ाई के कारण सारी ख़त्म हो गई थी, तो फिर इसको मैंने मॉडिफाई करा दिया, फिर उसके बाद नया सामान डाला इसमें, नई हो गई दोबारा, फिर दोबारा पुरानी हो गई। हाँ चाची इधर आओ, इधर आओ, खड़े हो, इसमें फॉलो लाइक करो, लाइक कर दो, बोलो लाइक कर दो, लाइक करो। ये अमन का लड़का है अजान, ये देखो भाई साहब, ताता। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसको करते हैं यहीं पे एंड, और गाइस देखते हैं एक बाइक राइडिंग व्लॉग और अपलोड करूंगा इसके बाद, फिर उसके बाद अपन गाड़ी कहीं रहेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ये खड़ी अपने धन्नो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बाद में।